हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते जोहर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो डीएवी पब्लिक स्कूल बुक है उसका जो कुछ डाउट्स था स्टूडेंट्स का, तो मैं ये एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जो कि आपकी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसका ही पार्ट है। और यहाँ पे जो आपका सेशन यानी वर्कशीट 6 है, उस वर्कशीट 6 के चलते जो जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कुछ कुछ एग्जाम्पल, और इससे आपका ये जो सेशन वो इजी हो जाएगा, यानी आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले और एक बार मैं बता देता हूँ जो रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, और आप शायद वो देख लिए होंगे, फिर भी और एक बार देख लेने दीजिए। जैसे कोई भी पॉजिटिव दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 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 होता है, यानी सेम अगर साइन होगा तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस, यानी सेम अगर साइन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसी तरह नेगेटिव, अगर साइन अगर डिफरेंट है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कोई भी दोनों का साइन अगर सेम हुआ तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और दोनों का साइन अगर अलग हो गया तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है यानी सेम दोनों है तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला। जैसे 6 4 = 24, 5 7 = 35, उसी तरह यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी रिजल्ट भी नेगेटिव आया, और यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उस तरह रिजल्ट भी नेगेटिव आया। इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आपका इंटीजर्स ख़त्म नहीं जाए तब तक, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आगे बढ़ेंगे ये छोटे छोटे सेशन। जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे बोला गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे, जिसका साइन प्लस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं बस नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी साइन नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे इंटीजर का जो हमारा नंबर लाइन है अगर बीच में जीरो है तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहता है यानी प्लस में रहता है, और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव इंटीजर रहता है यानी माइनस में ही रहता है। तो हम लोग जैसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे, और इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे इधर आगे आगे बढ़ेंगे। ये इन्फिनिटी टाइप है यानी अनलिमिटेड है, आगे बहुत सारा ऐसे नंबर है यानी एक एक करके वो आगे बढ़ा है, और ये पीछे उतना कम होते गए। यहाँ पे प्लस वन ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे माइनस वन ज़्यादा यानी कम हो गया है, यानी हम बोल सकते हैं राइट साइड बढ़ेगा लेफ्ट साइड कमेगा। ये होगा सक्सेसर, ये होगा प्रेडिसेसर, यानी सक्सेसर में हम लोग प्लस वन करते हैं, प्रेडिसेसर में माइनस वन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, कोई भी दो नंबर का हम पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है प्लस थ्री को हम लोग प्लस फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया है प्लस थ्री इंटू प्लस फोर मीन्स फोर इज़ एडेड थ्री टाइम्स, तो ये क्या है, एक वन टाइप ऑफ एडिशन है, रिपीटेड एडिशन। जैसे हम लोग बोलते हैं दो प्लस दो प्लस दो, जैसे दो को तीन बार किए ना तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना टू थ्री ज़ा, तो वहाँ जैसे ये नॉर्मल हम लोग जैसे एडिशन करते हैं, और एडिशन का दूसरा रूप ही हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह ये पॉजिटिव इंटीजर का भी जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे है एक रिपीटेड एडिशन ही है, यानी उसको ही उतना बार रिपीटेड हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लस थ्री को प्लस फोर के साथ हम लोग ऐड किए, थ्री टाइम्स ऐड किए, यानी यहाँ पे प्लस थ्री इंटू प्लस फोर, इसका मतलब है प्लस फोर को हम लोग तीन बार ऐड किए। जैसे यहाँ पे प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, उस तीनों को हम लोग ऐड किए कितने बार, तीन बार। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं प्लस फोर एक बार प्लस हुआ, प्लस फोर दूसरी बार प्लस हुआ, और प्लस फोर तीसरी बार प्लस हुआ, यानी वही चीज़ वही एडिशन ही हो रहा है, यानी उतने बार ऐड हो रहा है। तो सिंपली ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये नंबर लाइन में वहाँ पे कर दिए हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, और जीरो से हम लोग को कितना कितना ऐड करना है, प्लस फोर, और ये रिपीट हो गया यानी प्लस फोर पहले जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लस फोर, फिर नेक्स्ट प्लस फोर, फिर पहले जीरो से चार आ गया, चार से फिर चार यानी आठ, प्लस प्लस फोर प्लस फोर एट, और एट प्लस फोर ट्वेल्व, यानी चार चार बढ़ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी जीरो से स्टार्ट हुआ और चार चार बढ़ के
बार हुआ यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुना बढ़ा तो यानी 4 3 12, 3 4 12 या फिर 4 3 12। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है, व्हेन बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्रीफिक्स प्लस साइन टू बी साइन प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। जैसे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसमें प्लस साइन दे देंगे। जैसे कोई भी नंबर हो गया 2 × 3 और ये दोनों प्लस है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 3 जा कर देंगे, 2 3 जा कितना होता है 6, और 6 के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर है वो लगा देंगे, यानी क्या कर देंगे पहले 6 लिख दिए और उसके बाद दोनों प्लस है ना, तो दोनों को प्लस में हम लोग क्या करेंगे प्लस साइन दे देंगे, 2 3 जा 6 प्लस हो गया, साइन लगा देंगे सिंपली। 8 6 जा कितना होता है 48। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्लस 8 × + 6, तो पहले हम लोग नॉर्मली ऐसे 8 × 6 कर देंगे, उसके बाद कितना हुआ जो रिजल्ट लिखने के बाद क्या करेंगे जो साइन है वो साइन लगा देंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या होता है, पॉजिटिव साइन ही होता है। जैसे रूल्स हम लोग पढ़े थे, कोई भी सेम साइन होगा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव वो हो दोनों या फिर चाहे नेगेटिव हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, देन आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे रूल्स पता है कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, यानी कोई भी दो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कोई भी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ यानी नेगेटिव को पॉजिटिव साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो रूल्स के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, जो 4 है उसको 2 बार हम लोग प्लस, एक पॉजिटिव है यानी +2 पॉजिटिव नंबर है और -4 नेगेटिव नंबर है, तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, उतना बार हम लोग जैसे यहाँ पे क्या किए थे उतना बार हम आगे बढ़े थे। यहाँ पे एक पॉजिटिव था, हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव यानी उतने बार आगे बढ़े, लेकिन रूल के हिसाब से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो रूल्स क्या होगा, नेगेटिव आएगा यानी हम लोग पीछे जाएंगे, नेगेटिव मतलब पीछे। तो जैसे रूल्स है मैं बताया था आपको, 0 बीच में है इंटीजर्स का या नंबर लाइन में और इस साइड पॉजिटिव नंबर है यानी राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर यानी उस साइड उतना बढ़ता है, ये बढ़ते जाता है और ये कम होते जाता है 0 से जो पीछे है यानी -1 -2। तो नेगेटिव नंबर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो उसका रिजल्ट आया हमेशा नेगेटिव, तो उसके हिसाब से क्या किए हम लोग, ये रूल के हिसाब से पीछे जाएगा यानी माइनस हो गया यानी पीछे जाएगा। तो -2 × हम लोग -4 किए तो -2 × -4 तो क्या हो जाएगा वो वीडियो मतलब वो इसका रिजल्ट, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके पहले तो साइन हम लोग कर देते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 4 8, तो 8 को हम लोग लिख देंगे। उसी तरह कोई भी नंबर जैसे -5 और +10 तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव होता है और 5 10 15 तो इसका रिजल्ट हो गया 50 यानी 50 कम है। अगर माइनस साइन रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा कम होता है, जैसे बताया था कोई भी चीज़ माइनस में है यानी उसका क्षति है इसका कम है, जैसे यहाँ पे 0 से -1 यानी 1 कम है, फिर 0 से -2 यानी 2 कम है उसके हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पे +2 × -4 किया तो -4 कितने बार पीछे जाएगा, 2 बार पीछे जाएगा, यानी यहाँ पे आपको नंबर लाइन में यहाँ पे बोला गया है वी टैक्स टू जम्प ऑफ 4 यूनिट्स इच ओ टू द लेफ्ट। देखो यहाँ पे आपको बताया गया कैसे, एक होता है यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ और यहाँ से आगे आगे बढ़ा, ये पॉजिटिव साइन है यानी पॉजिटिव में नंबर है हमेशा, और इधर 0 के बाद जो नंबर है वो नेगेटिव में हमेशा है यानी 0 के बाद सब नंबर नेगेटिव है यानी कम है। तो जैसे हमको रूल्स पता है प्लस प्लस और माइनस क्या होता है, ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया लेकिन हम लोग नॉर्मली ये प्लस किए तो ये आगे बढ़ा,
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी -8 हुआ ना, जिससे क्या हुआ, दो बार हम लोग किए -4, और -4 को प्लस करने के बाद रूल्स के हिसाब से पीछे गए। जैसे माइनस और माइनस को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, यानी 2 के बाद 4 पीछे गया एक बार, क्योंकि 2 + 2 यानी 2 जंप करेंगे, -4 का 2 जंप करेंगे, -4 का कितने बार जंप करेंगे, पीछे 2 बार, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक बार जंप किया -4 यानी 4 पीछे गया, फिर 4 पीछे गया, 1 2 3 4 यानी डायरेक्ट सेकेंड जंप, तो क्योंकि 2 बार बोला है, तो इसका रिजल्ट आया गया है -5। हम कहाँ पहुँच गए, वी रीच एट -8। तो उस रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले हमको नॉर्मली क्या करना है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 × 4 कोई भी साइन देना चाहे, चाहे कोई भी साइन चाहे दे, हमको पहले नॉर्मली क्या करना है, देखना है कि नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 2 × 4 = 8। देन क्या करेंगे, हमको देखना है साइन, रूल्स के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, यानी डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, यानी उतना कम हुआ, क्योंकि 4 2 बार कम हुआ, तो एक बार 4 कम होने पर 4 हुआ, फिर और एक बार 4 कम होने पर -8 हुआ। आई थिंक आपको समझ आएगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे 2 × -3, तो हम लोग एक पॉजिटिव ले जाते हैं, मैं ले जाता हूँ +3, यानी मैं क्या करूँगा, +3 को कितने बार यहाँ पे, अगर ऐसे उल्टा कर लेता हूँ, जैसे रूप आपके बुक के हिसाब से मैं कर लेता हूँ, तो एक है +3, इसको +3 ले जाता हूँ, तो -3 को मैं कितने बार पीछे जाऊंगा, 2 बार पीछे जाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता, 3 इधर 1 हो गया, एक बार जंप, फिर और एक बार 1 2 3 यानी फिर से 6, तो ये हो गया +2 × -3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी +(-)-3 × 2 = 6, और 6 ही आया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो रूल्स पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स आगे पढ़ेंगे।